प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले एक सूचना आपके लिए। 9th क्लास हिंदी टर्म टू एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी के लिए हिंदी के सारे टॉपिक, चाहे वो ग्रामर के हों, चाहे क्षितिज कृतिका के हों, आपके संवाद लेखन हो या अनुच्छेद लेखन हो, तो कंप्लीट सभी कुछ हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप जाके उन्हें देखें और अपनी तैयारी को अच्छी रखें। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। तो आज हम वर्कशीट नंबर 60 क्लास 9th हिंदी क्षितिज में सांवले सपनों की याद पाठ को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए अपने क्लास ग्रुप में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सालिम अली जो कि पक्षी प्रेमी हैं, और आपने अभी तक इनके बारे में देखा कि ये मैक्सिमम टाइम अपना पक्षियों के साथ बिताते हैं, जंगल में बिताते हैं, प्रकृति की गोद में बिताते हैं। हमेशा इनके पास एक दूरबीन हुआ करती है जिससे कि वो पक्षियों को, जानवरों को ही निहारते और देखा करते हैं। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ द स्पैरो। तो इन्होंने एक आत्मकथा लिखी अपनी, एक बुक लिखी और उसका नाम रख दिया फॉल ऑफ द स्पैरो। कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखें आप उनकी किताब का नाम फॉल ऑफ द स्पैरो। मुझे याद आ गया, डीएच लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया था कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। तो यहाँ पर जो डीएच लॉरेंस है, उनकी जब मौत हो गई, वे एक्सपायर हो गए, तो उनके बाद उनकी पत्नी को किसी ने पूछा कि भाई कुछ आप लॉरेंस के बारे में बताइए, अपने पति के बारे में बताइए। तो उन्होंने कहा कि फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, बता सकती थी। भाई अपनी पत्नी के बारे में, अपने पति के बारे में, अपने दोस्त के बारे में, अपने बच्चों के बारे में कौन नहीं बता सकता, सभी लोग जानते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में लिखना असंभव सा है। क्यों? क्योंकि भाई उसकी डेथ हो गई है, तो डेथ होने के बाद अगर हम उनके बारे में लिखते हैं तो उनकी यादें और ज़्यादा आ जाती हैं और हम उनके बारे में लिख नहीं पाएंगे, हम कुछ बोल नहीं पाएंगे क्योंकि इमोशनल हो जाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। भाई मैं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन लॉरेंस के बारे में अगर अच्छे से जानना है तो मेरे घर की छत पर एक गौरैया बैठती है, उससे पूछिए, वो अच्छे से जानती है। मतलब पक्षी कैसे बता सकती है, यानी कि वो पक्षी प्रेमी थे, वो इंसानों से ज़्यादा पक्षियों जीव जंतुओं के साथ रहते थे। तो ये एक अतिशयोक्ति है कि वो गौरैया आपके आपको बता देगी लॉरेंस के बारे में। तो काफ़ी कह सकते हैं कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पक्षियाँ भी, जानवर भी उनके बारे में जानते थे, मुझसे भी ज़्यादा जानती हैं। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था, क्योंकि भाई जो प्रकृति को प्रेम करे, जो पशु पक्षियों को प्रेम करे, जो नेचर को प्रेम करे, वो खुले दिल वाला और सादा इंसान ही हो सकता है। अदरवाइज आजकल लोग इंसानों को प्रेम नहीं करते, अपने फैमिली वालों को प्रेम नहीं करते, बल्कि भाई भाई को मारने के लिए दौड़ता है। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। यानी कि जो लॉरेंस है वो मेरे रग रग में है, क्योंकि पति पत्नी आपस में एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, तो भाई रगों में तो समाएंगे ही, हड्डियों में समाए हैं, खून में समाए हैं, मेरे पूरे दिल में लॉरेंस ही समाया है। लेकिन मैं उनके बारे में बता नहीं सकती, क्योंकि इतना इमोशनल हो जाऊंगी मैं कि मैं आगे कुछ ना लिख पाऊंगी ना कह पाऊंगी। मुझे यकीन है कि मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के बारे में ही मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। बहुत ही अच्छी बात कि भाई जानवर भी, कई बार हमारे घर में भी कुत्ते होते हैं, बिल्ली होते हैं, हम पेट पालते हैं, तो वहाँ पर हमारे बारे में हमारे पेट भी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कब इनको खाना खाना है, कब ये सोते हैं, कब ये स्कूल से आते हैं, तो सारी बातें उनको पता होती है। तो आप भी अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर कर सकते हैं कि क्या आप भी पेट पालते हैं, और पेट पालते हैं तो उससे आपका कनेक्शन किस तरह से है। तो चलिए कुछ प्रश्न है इसमें, उनको देखते हैं।
चलिए तो पहला सवाल है यहाँ पर, सालिम अली की आत्मकथा का क्या नाम था? तो चलिए यहाँ पर चार ऑप्शन हैं। अगर आप वर्कशीट को, वीडियो को ध्यान से शुरू से लास्ट तक देखते हैं, जितने बच्चे भी देखते हैं, गारंटी है वर्कशीट के सारे प्रश्न तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही एग्ज़ाम तक भी उन्हें लंबे टाइम तक ये चैप्टर याद रहने वाला है। तो चलिए इसका जो सही आंसर है वो जो फॉल ऑफ द स्पैरो, ये इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि बी। अगला सवाल है, लोगों ने लॉरेंस की मौत के बाद उनकी पत्नी से क्या अनुरोध किया? बड़ा आसान सा सवाल है, तो इसका आंसर भी आसान ही होगा। लोगों ने लॉरेंस की मौत के बाद उनकी पत्नी से अनुरोध किया कि वो लॉरेंस के बारे में कुछ बताएं, उनके बारे में जानकारी दें, ताकि हम कुछ आगे लिख सकें। लेकिन लॉरेंस ने जवाब जो है वो, डॉक्टर फ्रीडा ने जवाब नहीं दे पाई। तो चलिए अगला सवाल इसी तरीके का है कि लोगों के अनुरोध पर फ्रीडा ने क्या उत्तर दिया? बड़ा आसान सा है, लोगों के अनुरोध पर लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने कहा कि मैं लॉरेंस के बारे में कुछ भी बता पाने में असमर्थ हूँ, हालांकि वो मेरे रग रग में समाए हुए हैं, फिर भी मैं इमोशनली, यानी कि मैं भावनाओं में खो जाऊंगी, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगी, बट अगर आपको मेरे बारे में या लॉरेंस के बारे में जानना है तो मुझसे ज़्यादा हमारे घर की छत पर बैठने वाली गौरैया अच्छे से बता सकती है। तो बड़ा आसान सा सवाल, आसान सा आंसर है। हर एक प्रश्न के बाद वीडियो को रोक लें और अपना आंसर कंप्लीट करें, फिर वीडियो को आगे बढ़ाएं, ऐसे में आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट हो जाएगी और आपका जो लिखने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लॉरेंस फ्रीडा के जीवन में क्या स्थान रखते थे? बड़ा आसान सा है भाई, पति पत्नी का जिस तरह से स्थान होना चाहिए वो इन दोनों के बीच में संबंध था। आप ये लिख सकते हैं कि एक पति पत्नी का आपस में क्या संबंध होना चाहिए वो इनसे सीखे कोई। लॉरेंस फ्रीडा के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, वो रग रग में समाये हुए थे, हड्डियों में समाये हुए थे, वो दिल के हर एक कोने में, हर एक जगह पर लॉरेंस ही समाये हुए थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं लॉरेंस फ्रीडा के जीवन में। चलिए अगला सवाल है, असंभव शब्द का विलोम क्या होगा? तो बड़ा आसान सा है, असंभव शब्द का विलोम होता है, आ हटा दीजिए, संभव यानी कि ख, बिल्कुल सही ऑप्शन। मुमकिन का विलोम क्या होगा? उल्टा, तो एक होता है मुमकिन जो हो कर सकते हैं, दूसरा होता है नामुमकिन जो कि ग ऑप्शन है, तो नामुमकिन यानी कि जो इम्पॉसिबल है, मुमकिन यानी कि पॉसिबल है। पक्षी शब्द के दो पर्यायवाची बताइए, तो भाई बड़ा आसान है, पक्षी को खग भी कहते हैं, पक्षी को बिहग भी कहते हैं, ठीक है, तो गगनचर भी कहते हैं, इस तरह से बहुत सारे शब्द। और पक्षी का एक पर्यायवाची शब्द आप मुझे भी कमेंट में बताएंगे जो मैंने आपको नहीं बताया है। तो आई होप आपको आज की वर्कशीट और इसके क्वेश्चन आंसर और ये चैप्टर समझ आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, पढ़ाई के साथ साथ हम इम्पोर्टेंट अपडेट भी आपके लिए शेयर करते हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपका बनता है, ताकि सारे अपडेट आपके पास लगातार आती रहें। जय हिंद।